नमस्कार, मैं हूं आकाश रावत। आप सुन रहे हैं द न्यूज ओशियन से प्रसारित ओनली न्यूज नेशन पर डिजिटल समाचार। आज की प्रमुख खबरें। कमजोर वर्ग को मिले न्याय, जस्टिस डिलीवरी है जरूरी, जजों और वकीलों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी MiG-21 स्क्वाड्रन को 2025 तक अपने बेड़े से हटाएगी वायुसेना। हो चुके कई बड़े हादसे। RBI ने 3 बैंकों पर लगाए कई तरह से प्रतिबंध, ग्राहकों पर बड़ा असर। बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, भारतीय सेना ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। भारतीय सेना में वन रैंक वन पेंशन नीति पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। अब खबरें विस्तार से। कमजोर वर्ग को मिले न्याय, जस्टिस डिलीवरी है जरूरी, जजों और वकीलों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने जिला जजों से कहा, जिला स्तरीय विचाराधीन पुनर्विचार समिति के चेयरमैन होने के नाते विचाराधीन कैदियों की रिहाई में वह तेजी लाए। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में कहा कि देश में विचाराधीन कैदियों से जुड़े मानवीय विषयों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे में कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता का इंतजार वर्षों से कर रहे हैं। सभी MiG-21 स्क्वाड्रन को 2025 तक अपने बेड़े से हटाएगी वायुसेना। हो चुके हैं कई बड़े हादसे। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए अगले 3 सालों की समय सीमा तय कर दी है। इस गतिविधि के बारे में जानकारी रखने वालों ने शुक्रवार को बताया कि इनमें से एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर में हटाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वायुसेना अगले 5 सालों में MiG-29 लड़ाकू विमानों के 3 स्क्वाड्रन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रही है। RBI ने 3 बैंकों पर लगाए कई तरह के प्रतिबंध, ग्राहकों पर होगा इसका बड़ा असर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बार फिर 3 सहकारी बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। ये 3 बैंक हैं, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमत नगर, द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलापुर और दुर्ग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विजयवाड़ा। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक बासमत नगर पर प्रतिबंध लगने के चलते जमाकर्ता अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे। बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, भारतीय सेना ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया जबकि 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक जिले के करोएरी इलाके वानीगाम बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। भारतीय सेना में वन रैंक वन पेंशन नीति पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। भारतीय सेना में लागू वन रैंक वन पेंशन पर पुनर्विचार को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व सैनिकों की संस्था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इसी साल 16 मार्च को सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन OROP मामले में केंद्र को बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा था।